हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एंड्राइड स्टूडियो का नया अपडेट। नया अपडेट क्या है कि जब भी आप कोई भी गिटहब से कॉपी करेंगे कोड को और कॉपी करके उसका क्या करें डिपेंडेंसी एड करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे पीडीएफ व्यू नाम का यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है उसका जो कोड है मैं कॉपी किया हूँ फाती मैं उसका डिपेंडेंसी भी एड कर चुका हूँ, आपको डिपेंडेंसी में दिखा दे रहा हूँ, फिर भी मुझे एरर मिल रहा है, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पर मैं गया बिल्ड एड गैटर के अंदर, यहाँ पर मैंने पीडीएफ व्यू नाम को मैंने क्या किया यहाँ पे जो इसका डिपेंडेंसी वो भी मैंने एड किया है फिर भी मुझे एरर मिल रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी तीन स्टेप होगा इसका सोल्यूशन का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देखिए यहाँ पर मैं गया था, यहाँ भी जब पीडीएफ व्यू की लिखा था यहाँ भी मुझे एरर मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं कर पाएंगे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। और एरर क्या मिल रहा हमारा देखिए, जब भी मैं इस पे लेकर जा रहा हूँ कर्सर अपना तो मुझे मिल रहा है क्लास रेफरेंस्ड या इन द लेआउट फाइल काम डॉट गिट हब यहाँ पे उसका नाम लिख रहा है, फिर वाइज नॉट फाउंड इन द प्रोजेक्ट आट द लाइब्रेरी, क्योंकि आप जब इंपोर्ट करेंगे नहीं तो आपको एरर मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप दिया कैनट रिजॉल्व क्लास काम डॉट गिट हब यहाँ पर लिखे पीडीएफ व्यू और पीडीएफ व्यू, मतलब हमने इसको क्या किया अभी रिजॉल्व नहीं किया, मतलब इसको मैंने इंपोर्ट नहीं कर पाया है। और इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि नया अपडेट आया है एंड्राइड स्टूडियो का, इसलिए इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। पहले क्या होता था डायरेक्ट आप डिपेंडेंसी ऐड करिए और आपका काम हो जाता था, मगर मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड किया है फिर भी मुझे क्या हो रहा है वो नहीं मिला, जबकि मैंने सिंक भी कर दिया उसको। आपको मैं अभी दिखाया था यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जो बिल्ड एट ग्रेडल है उसके अंदर मैं गया था, आपको दिखाया था मैं ये वाला, इसमें इसको करके मैं सिंक भी कर दिया हूँ तभी मुझे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सोल्यूशन क्या होगा, इस सोल्यूशन यहाँ पे होगा और भी देखिए एरर क्या दिया हमारे यहाँ नीचे एरर दिया, जब इसको रन करेंगे आप तो एरर ये मिलेगा आपको काइट बाई ओ आर जी डॉट ग्रेडल डॉट ए पी आई इंटरनल डॉट एक्टिव करके मैंने पूरा पढ़ सकते हैं, मतलब इतना आपको एरर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन यह होगा, तीन स्टेप चलिए दिखाते हैं। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अगर इसको रिजॉल्व करना है इस एरर को तो आपको पहला स्टेप फॉलो करना होगा, वो आना होगा सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर, क्योंकि सारा कुछ हमारा क्या होगा सेटिंग में चला गया है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब जो नया अपडेट आया उसके अंदर सब सेटिंग में चला गया है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पहले आएंगे आप ग्रेटर स्क्रिप्ट, देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर स्क्रिप्ट हमारा है इसके अंदर आएंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर, इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको तीन स्टेप जो है उसमें पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आप देखिए प्लगइन मैनेजमेंट है और यहाँ पर डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वही वाला मुझे करना है, डिपेंडेंसी वाला दिक्कत हो रहा है हमको, मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखिए जो दिया है हमारा ग्रेडल प्लगइन यहाँ पे पोर्टल ये वाला देख रहे हैं, इसको मुझे क्या करना है कॉपी करना है, और यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, कॉपी करके क्या करना है मुझे पहला स्टेप है वो इसके नीचे मतलब इस जो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन वाला है इसमें क्या करना है मुझे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आऊंगा मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक ये मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसको सिंक नाउ कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा पहला काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसी में आपको एक और काम करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर सारो नहीं होता इस तरह से तो आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि जो फेल ऑन प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है आपको यहाँ से ये वाला क्या करना हटा देना है, यहाँ से ये वाला हटा कर क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है प्रीफर डॉट सेटिंग पी आर ई, ठीक है, आपको लिखना है एफ या एकदम स्पेलिंग सही होना चाहिए, फिर अंडर स्कोर, फिर क्या करना है एस ई डबल टी आई एन जी एस, एकदम स्पेलिंग सही होना चाहिए। उसके बाद दोनों को इंपोर्ट लिख करके पहला क्या किया हमने इसको कॉपी किया है और दूसरा मैंने क्या किया है यहाँ प्रीफर सेटिंग लिख करके और यहाँ पे ए वाला जो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे इसको चेंज कर दिया प्रीफर अंडर सेटिंग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा इसको सिंक नाउ करूँगा, तो यहाँ देखिए मैं सिंक नाउ कर दिया और सिंक नाउ करने के बाद देखिए अब आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना होगा, जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे हमारा जो ग्रेडर प्रॉपर्टी है उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दो स्टेप मैंने फॉलो कर दिया, अब मैं तीसरा स्टेप फॉलो करने जा रहा हूँ, आपको जाना होगा ग्रेडर प्रॉपर्टी के अंदर, इसको ओपन करिए। मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिया है, आप पूरा कोड देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर सब दिया है जितना लिखा हुआ है। आपको क्या करना है इसमें देखिए एक चीज है जो मतलब यहाँ पे है वो है इनेबल सेट जेडिफायर इनेबल ट्रू, उसको क्या करना है आपको जो एक कमेंट है उसको क्या इनेबल कर देना है, ठीक है। तब जो आपका जो एरर है वो एरर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, आपको दिखा रहा हूँ अभी देखिए एंड्राइड इनेबल जेडिफायर है उसको क्या करना है आपको अनकमेंट करना है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं क्या कहूँगा अनकमेंट कर दूंगा, ये देखिए यही वाला हमारा है एंड्राइड डॉट इनेबल्ड जेडिफायर इज इक्वल टू ट्रू, जब ऐसा कर देंगे आप ठीक है, और उसके बाद जब करेंगे तो आपको जो एरर है वो जो सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ग्रेडर बिल्ड हमारा चल रहा है ठीक है, वो इंपोर्ट हो रहा है, अभी देखिए अब जो एरर मिल रहा था वो एरर आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दूं मैं कि जो फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट एक्सएमएल था हमारा उसमें हमको एरर मिल रहा था ये वाला पीडीएफ व्यूअर वाला, अभी देखिए एरर कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये जो अभी एरर मिल रहा है ना एरर नहीं मिलेगा अभी, तभी अभी डिपेंडेंसी ऐड हो रहा है पूरा लाइब्रेरी से डाटा एक्सेस कर रहा है, क्योंकि जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पर सिर्फ हमको क्या करना पड़ता था डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करिए कोड गिटहब से और आपको क्या करना पड़ता था डायरेक्ट उसका डिपेंडेंसी ऐड कर दीजिए उसको सिंक नाउ कर दीजिए हो जाता था, मगर अभी जो आया अपडेट उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है ठीक है। अभी देखिए चूंकि मैं इसके लिए आपको नेट ऑन रखना होगा क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन ही क्या करता है जो भी कोड होता है मतलब उसका डिपेंडेंसी होता है लाइब्रेरी होता है उसको इंपोर्ट करता है, तभी इंपोर्ट कर रहा है, जब तक इंपोर्ट नहीं हो तब तक हमको एरर मिलेगा, ऐसे ही इंपोर्ट हो जाएगा हमारा जो एरर है वो डियाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर पहला स्टेप मैंने दो स्टेप मैंने फॉलो कर लिया, तीसरा स्टेप मैंने फॉलो कर दिया, तीसरा स्टेप मैंने क्या किया था एक ग्रेटर प्रॉपर्टी के अंदर गया था और वहाँ पर जाकर मैंने वहाँ पर जो सेट इनेबल जो हमारे उसको जेडिफायर था उसको मैंने ट्रू कर दिया था,
ये वाला मैंने क्या ट्रू किया था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्टिविटी जो फर्स्ट हमारा है उसके अंदर जो एरर है वो साल हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी चूंकि ये पूरा डिपेंडेंसी ऐड कर ही रहा है, काफ़ी समय लगता है यहाँ पे, देखिए इंडेक्सिंग लाइब्रेरी काम डर सपोर्ट कर रहा है, तब तो मैं इसको वेट कर रहा हूँ कब तक हो जा रहा है। और हमारे देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी एड होता जा रहा है लगातार, अभी आप जितने भी हमारे देखिए आ गया काम डॉट गिटहब डॉट मार्केट PDF आ गया हमारा, मतलब देखिए हमारा आ गया जो ग्रेट लिविंग सिंगर फिनिश हो गया हमारा। अब देख रहे हैं जो मेरा एरर था वो क्या होगा, रिजॉल्व हो गया। जो मैं एरर देख रहा था अभी जो PDF व्यू था वो मेरा क्या हो रहा था, इंपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ 3 सेटिंग किया और जो मेरा जो जो कोड है वो रन नहीं हो पा रहा था, मतलब कि जो डिपेंडेंसी वो भी हमारा रन नहीं हो पा रहा था, मतलब इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसका सलूशन यही है कि आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। मैंने बताया कि पहला स्टेप क्या फॉलो करना होगा, आपको पहला स्टेप आना होगा जो ग्रेडर हमारा है सेटिंग है उसके अंदर आना होगा, ठीक है। तो मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे ग्रेडर सेटिंग के अंदर आना होगा। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग का ग्रेडर जो कि नया अपडेट आया ना उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेडर हमारा प्लगइन है ये वाला, इसको क्या करना, कॉपी करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करेंगे आपको पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। दूसरा क्या करना है आपको, जो प्रीफर जो अभी फेल था फेल वाला वहाँ पर क्या करना है आपको, प्रीफर सेटिंग डायरेक्ट क्या करना है लिख देना है। एक भी प्रॉपर्टी के अंदर आना है तो यहाँ पे ग्रेडर प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं ओपन किया हूँ, तो मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आ गया हमारा एंड आई इनेबल जो हमारा है आइडेंटिफायर ट्रू। तो आप ऐसा करेंगे तो कोई भी अगर डिपेंडेंसी अपडेट करेंगे किसी प्रकार का कहीं से भाई गिटहब से कोड कॉपी करिए करेंगे तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना होगा, उसके बाद आपका जो एरर है वो रियल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।